आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत, पाठ पंचम, भाग प्रथम। नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत पाठ पंचम भाग प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं सस्वर वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। फलम पतति, फलम वृक्षात पतति, फलम कुतः पतति, फलम वृक्षात पतति, छात्रः आगच्छति, छात्रः विद्यालयात आगच्छति, छात्रः कुतः आगच्छति, छात्रः विद्यालयात आगच्छति, पाषाणः पतति, पाषाणः पर्वतात् पतति, पाषाणः कुतः पतति, पाषाणः पर्वतात् पतति, महिला आगच्छति, महिला मंदिरात् आगच्छति, महिला कुतः आगच्छति, महिला मंदिरात् आगच्छति। अब ध्यान से सुनिए, इस पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखो वृक्षात, विद्यालयात, पर्वतात, तो पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। फलम पतति, फलम यानी फल, पतति का अर्थ गिरता है, फल गिरता है। फलम वृक्षात पतति, फल कहाँ से, फल गिरता है, फल कहाँ से गिरता है, फलम वृक्षात पतति, फल है वृक्षात, वृक्ष से पतति, वृक्ष से पांचवी विभक्ति, यानी वृक्ष से अलग हो रहा फल। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी अलग हो रहा है। पंचमी विभक्ति वृक्षात, यानी फल वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्षात पतति, फल है वृक्ष से पतति गिरता है। फलम कुतः पतति, फलम कुतः पतति यानी प्रश्न बन गया, फलम कुतः यानी कहाँ, पतति यानी गिरता है, कहाँ से गिरता है, फल कहाँ से गिरता है, फलम वृक्षात पतति, ये उत्तर है। फलम फल वृक्षात यानी वृक्ष से, पेड़ से पतति यानी गिरता है। छात्रः आगच्छति, छात्र आगच्छति यानी आता है, एक वचन आगच्छति, एक वचन है। छात्रः विद्यालयात आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है, छात्रः विद्यालयात आगच्छति, पंचयुक्ति यानी विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है। ये वृक्ष से पत्ता गिरता है या फल वृक्ष से गिरता है, वृक्ष से अलग हो रहा है। यहाँ बालक विद्यालय से आता है, आगच्छति यानी आता है, तो अलग हो रहा है, पंचयुक्ति विद्यालयात, विद्यालय से आगच्छति आता है। छात्रः कुतः आगच्छति, छात्रः कुतः कहाँ से आगच्छति आता है, प्रश्न वाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न है। उत्तर है छात्रः विद्यालयात आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है, छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। पाषाणः पतति, पाषाण कहते हैं पत्थर को, पत्थर गिरता है, कहाँ से गिरता है, गिरता है पाषाणः पर्वतात् पतति, पत्थर कहाँ से गिरता है, पत्थर पर्वत से गिरता है, पाषाण पर्वतात् पतति यानी पंचयुक्ति, पर्वतात् पतति यानी पाषाण पर्वत से अलग हो रहा है, पत्थर पर्वत से अलग हो रहा है। पाषाण कुत पतति, ये प्रश्न बन गया, पाषाण कुत पतति, पाषाण पर्वतात् पतति, ये उत्तर है। पाषाण यानी पत्थर पर्वत से गिरता है, पर्वतात् पतति पंचयुक्ति, पर्वतात् रामात् वृक्षात् विद्यालयात्। महिला आगच्छति, महिला आगच्छति महिला आती है, महिला मंदिरात आगच्छति, महिला कहाँ से आती है, महिला मंदिरात आगच्छति, मंदिरात पंचव्यक्ति, मंदिर से आती है। महिला कुत आगच्छति प्रश्न बन गया, महिला कुत कहाँ से आगच्छति आती है, महिला मंदिरात आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। अब देखो प्रश्न बनाना है, फलम पतति, फलम वृक्षात पतति, अब इसका प्रश्न बनाना है। तो देखो फलम कुत वृक्षात की जगह लिखना है, फलम वृक्षात की जगह कुत पतति, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आया ये प्रश्न बन गया, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे छात्र आगच्छति, छात्र विद्यालयात आगच्छति, अब विद्यालयात आगच्छति इसका प्रश्न बनाना है, तो छात्र विद्यालयात की जगह लिखना कुत आगच्छति, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पाषाण पतति, पाषाण पर्वतात् पतति, अब इसका प्रश्न बनाना है, पाषाण पर्वतात् पतति, पाषाण पर्वतात् पतति कुतः
पतती और प्रश्नवाचक लगाना पाषाण कुत पतती पाषाण पुरता पतती महिला आगछति महिला मंदिरात आगछति। अब ये उत्तर है महिला मंदिरात आगछति। अब इसका प्रश्न बनाना है महिला कुतः आगछति और प्रश्नवाचक लगाना है। जैसे आ गया महिला कुतः आगछति प्रश्नवाचक लग गया। तो ऐसे हमको उत्तर है उसका प्रश्न बनाना है, प्रश्न है उसका उत्तर देना है और इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हुए वो सबको कॉपी में करना है। पतती यानी गिरता है, वृक्षात यानी वृक्ष से, कुतः यानी कहाँ से, आगच्छति यानी आता है, विद्यालयात यानी विद्यालय से, पाषाण पत्थर, पर्वतात पहाड़ से, मंदिरात मंदिर से, यानी पंचविभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारक शब्द है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए और अपादान से, यानी पंचविभक्ति अलग होने के रूप में होता है। जैसे ये सब अलग हो रहा है यानी फल वृक्ष से अलग हो रहा है, बालक विद्यालय से अलग हो रहा है और पत्थर है पर्वत से अलग हो रहा है और महिला मंदिर से अलग हो रही है यानी मंदिर से आ रही है अलग हो रही है। इस प्रकार ये पंचविभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये शब्दार्थ करने हैं कॉपी में और इस पाठ को अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।